तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, एक कमेंट आया था मुझे अभी चबन नूरानी जी का कि दुबई पैरागुआ से अलाउड है क्या अप्लाई करना वीजा। दे से यू कैन अप्लाई ओनली फ्रॉम योर होम कंट्री, राइट। और एक और भाई का कमेंट आया था, ब्रदर बट विल ब्राजील अलाउड टू अप्लाई टूरिस्ट वीजा फ्रॉम थर्ड कंट्री इफ पर्सन इज नॉट रेसिडेंट ऑफ द थर्ड कंट्री। ठीक है दोस्तों, तो इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, क्या होता है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने कहीं नहीं देखी, ना किसी एम्बेसी की वेबसाइट पे है, ना ब्राजीलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है कि अगर आप इंडियन हो या पाकिस्तानी हो तो आपको इंडिया से ही या पाकिस्तान से ही वीजा अप्लाई करना है। ऐसी कोई देश की पॉलिसी नहीं होती है। ब्राजीलियन एम्बेसी हो या कोई भी देश की एम्बेसी हो, कोई भी देश का सिटीजन वहां से वीजा अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब वीजा देना ना देना है ना, वो आपका वीजे के एप्लीकेशन कैसे एनालाइज करेंगे ये आपके देश पे निर्भर रहता है। ये आपके वीजा रिक्वायरमेंट्स आपके देश के लिए क्या है ना, इंडियन सिटीजन्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अब जैसे अमेरिकन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा कर दिया था ब्राजील ने, है ना, तो अब वो ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर अगर वो इंडिया आके भी ब्राजील का वीजा अप्लाई करता है कोई अमेरिकन, तो वही वीजा पॉलिसी उस पर लागू होगी जो अमेरिकन के लिए, इंडिया वाली नहीं होगी, है ना। तो ये चीज होती है। तो आप डेफिनेटली कर सकते हो ब्राजील का वीजा किसी थर्ड कंट्री में जाके अप्लाई, लेकिन फिर वही है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहली बार जैसे दुबई जा रहे हो और फिर वीजा अप्लाई कर रहे हो सीधे जाके, है ना, आज मैं दुबई पहुंचा कल वीजा अप्लाई किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब फिर उनको वही लगेगा कि ये सिर्फ वीजा अप्लाई करने ही आया है। तो देखो दोस्तों कैसा होता है, मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ी ट्रेवल हिस्ट्री कर लो, है ना। आप दुबई जाओ घूमने, बाली जाओ, इंडोनेशिया जाओ, थाईलैंड जाओ, आस पड़ोस के जो मुल्क हैं आप जा सकते हो, श्रीलंका जा सकते हो, मालदीव जा सकते हो। तो हमारे आस पड़ोस के जो देश हैं वहां अगर आप थोड़ा घूमोगे ना, दो तीन कंट्री घूम लो, तो फिर आपको ब्राजील का वीजा मिलने में भी आसानी होगी, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री हो जाएगी। ट्रैवल हिस्ट्री का ये मतलब है आप दूसरे देश में गए हैं, वहां पे घूम फिर के वापस आ गए, है ना। फिर आप और किसी देश में गए, वहां घूम फिर के वापस आ गए, मीन्स आप ट्रेवल करते रहते हो, और अगर किसी आप देश में गए भी हो तो वहां से आप वापस आ गए। ठीक है, तो ये मीनिंग होता है उसका। तो अगर आप दूसरे देश जाते हैं, वहां से वापस आ जाते हैं, सब ठीक ठाक रहता है, आपका पासपोर्ट सब दिखा देता है, एंट्री एग्जिट स्टैंप रहती है, वीजा रहता है, तो उससे उनको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई जेन्युइन केस है, बंदा कोई गड़बड़ नहीं है। तो इसीलिए मैंने बताया था कि आप जैसे दुबई घूमने जाओ, कहीं रशिया जाओ, किसी भी देश से, किसी भी देश में ब्राजीलियन एम्बेसी होगी, वहां से आप ब्राजील का वीजा डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब जैसे आप पैरागुआ भी जाते हो, तो क्या करो, पैरागुआ में थोड़े दिन घूमो, फिर अर्जेंटीना चले जाओ, है ना। आप ऐसा तरीका अपना सकते हो, फिर जब अर्जेंटीना जाओगे फिर आप वहां से अप्लाई कर दो, तो उनको समझ में आएगा भाई लैटिन अमेरिका घूम रहे, पैरागुआ घूमा, अर्जेंटीना घूमा, ब्राजील जा रहे, जेन्युइन केस है। ये चीज होती है। अब तुम पैरागुआ से डायरेक्ट जाके अप्लाई करोगे तो मे बी उनको भी लग सकता है कुछ। तो ऐसा आप क्या करो कि थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री कर लो, ट्रैवल हिस्ट्री रहेगी तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो यही चीज मैंने आपको बताई थी, अगर ब्राजील का वीजा रिजेक्ट भी हुआ है तो वीजा रिजेक्शन की स्टैंप ना हो तो अच्छा है ना। अगर आपका केस मजबूत ना हो ब्राजील वीजा के लिए, तो ब्राजील वीजा अप्लाई मत करो फिर होम कंट्री से, थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री करो, फिर आप अपने देश से अप्लाई कर सकते हो, या ट्रैवल हिस्ट्री होने के बाद आप किसी दूसरे देश से भी अप्लाई कर सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे। तो ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप देख सकते हो आपको जो चीज सूटेबल लगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।